हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ स्विंग मशीन। आज हम उषा स्टिच मैजिक में पीको करना बताएंगे। ये देखिए, ये पीको का फूट आता है। यहाँ पे देखिए, ये क्लिप है, इसको जैसे पुश करोगे ये निकल जाएगा। बिठाने के लिए क्या करना है, ये जो नीचे का थ्रेड आ रहा है, ये नीचे का जो थ्रेड ये खाँचे से आ रहा है ना, वो खाँचा और फूट का ये खाँचा, दोनों आपको ऐसे मैच करने हैं। देखिए, ये ऐसे मैच करने हैं। फिर ये प्रेशर फुट लिफ्टर को डाउन करना है तो ये बैठ जाएगा दोनों थ्रेड यहाँ से पीछे के साइड। अभी यहाँ पे सिलेक्टर लेना है आपको, सी, ये सी वाला लेंथ रखनी है 2-2.5 नंबर, और विथ हमेशा 5 पे ही रहेगी। ये थ्रेड टेंशन 3 नहीं तो 4 नंबर रख सकते हो। देखिए, जैसे आपको स्टार्टिंग से कोई भी साड़ी दुपट्टा होता है, जैसे ज़्यादा थ्रेड निकला हुआ होगा उसको फिनिशिंग में काट देना है। बहुत बहुत मेरे माता बहन ने जैसे स्टार्टिंग से पिको करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से पिको करना नहीं आता है। तो स्टार्टिंग से पिको कैसा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये कपड़ा आता है, ये पॉइंट के ऊपर आपको सॉई रख देनी है यहाँ पे नॉर्मल। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1-2 टाका हाथ से घुमा देना है। फिर हाथ से घुमाने के बाद क्या करना है, प्रेशर फुट को हल्के से ऊपर घुमाना है और नीचे ले लेना। देखो, ये दो 1-2 टाका पॉइंट पे गिर गया और ये जगह दोनों थ्रेड है। तो क्या करना है, ये कपड़े को थोड़ा आगे ले लेना है, फिर प्रेशर फुट को डाउन करना है। अभी कपड़ा देखिए, ये फुट सोई का है, कपड़ा पूरा बाहर है, इसको यहाँ से अंदर, ये देखो ये जो मुड़ा वाला भाग है इसमें अंदर थोड़ा डाल देना है। अभी ये जो थ्रेड है इसको पीछे से पकड़ लेना है। जैसे मैं मशीन का फुट कंट्रोल दबाऊंगा वैसे कपड़े को थोड़ा राउंड करके पीछे से खींच लेना है, मतलब स्टार्टिंग से पीको बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको राउंड करते जाना है। लेंथ आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी रख सकते हो, ये मैंने 2.5 नंबर रखी है। यहाँ से धागा कट करना है। देखो, यहाँ से पूरा पीको बन गया है। यहाँ पे भी देखिए, पूरा स्टार्टिंग से बना हुआ है। ये धागा यहाँ से आप कट कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने 2.5 नंबर रखा है, अगर थोड़ी छोटी साइज चाहिए तो साइज़ आप 1-2 भी रख सकते हो। अभी ये सेकंड साइड भी मैं आपको एक थोड़ा दिखा देता हूँ। एक बार डाके को सोए को नीचे गिरा देना है और कपड़े को थोड़ा हल्का सा अराउंड कर देना है। जैसे जैसे मशीन फुट कंट्रोल चला के वैसे वैसे कपड़े को हल्का हल्का गाइड करते रहना है। बहुत ही आसानी के आप कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।